अब आपको सीधे लिए चलते हैं गोरखपुर, जहां सीएम योगी एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। आप भी देखिए। तो डबल इंजन सरकार की तरफ पर डबल इंजन के साथ बुलेट ट्रेन की तरफ पर आगे बढ़ रही है। एक तरफ यहां से कुछ ही दूरी पर आप देखते हो कि राम जानकी मार्ग बन रहा है। राम जानकी मार्ग के साथ साथ यहां से कुछ ही दूरी पर भुलिया पार में हम वायु फ्यूल का एक प्लांट देने जा रहे हैं। ये जितना भी किसानों के खेत में पुआल होगा, खरपतवार होगा, ये सबको वहां मंगवा लिया जाएगा। उसका भी पैसा किसानों को अलग से मिलेगा। गाय के गोबर का पैसा मिलेगा, भैंस के गोबर का पैसा मिलेगा, और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लिंक एक्सप्रेसवे को भी हम गोरखपुर के साथ जोड़ रहे हैं। यही पूरा दक्षिणांचल क्षेत्र उससे कवर होने वाला है। यानी हमारा गोरखपुर का दक्षिणांचल का क्षेत्र दो हाईवे के साथ जुड़ेगा। गोरखपुर बढ़लगंज यानी कौड़ीराम बढ़लगंज होते हुए वाराणसी फोर लेन के साथ, और दूसरी फोर लेन की कनेक्टिविटी ये खजनी होते हुए, सिकरीगंज होते हुए, बेलघाट होते हुए, आजमगढ़ होते हुए लखनऊ के लिए हो जाएगा। ये पूरा हम यहां पे उद्योग लगाने जा रहे हैं, बड़े बड़े उद्योग। जिस जमीन पर कुछ नहीं होता था, जिसको आप बंजर मानते थे पहले, खेती की जमीन अलग रहेगी लेकिन शेष जमीन जितनी होगी सरकार खरीदेगी और फिर यहां उद्योग लगाएगी। और यहां के लोगों को अब गिरमिटिया मजदूर नहीं बल्कि उद्योगपति के रूप में स्थापित करने का कार्य सरकार करेगी। जो पैसा पहले बाहर लगता था बैंकॉक में, सिंगापुर में, लाओस में, म्यांमार में, मुंबई में, वही पैसा आज दक्षिणांचल में ही लगेगा और यही उद्योग लगेंगे, यही के नौजवानों को यहां ट्रेनिंग की जाएगी, यही पे उन्हें नौकरी देने का काम भी करेंगे। और आज इसी प्रक्रिया को आगे तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। कनेक्टिविटी बेहतर हो रही है, सुविधाएं लगातार दी जा रही है, लगातार सुविधाओं में वृद्धि की जा रही है। बाबू आर्य सिंह जी 10 वर्ष से 20 लोगों को पेंशन की सुविधा अपने गांव में दे रहे हैं। जन्मभूमि का ऋण तो ऐसे चुकता किया जाता है, क्योंकि किसी व्यक्ति की प्रगति में उसके व्यक्तिगत परिश्रम ही महत्वपूर्ण नहीं होता है, परिवार का महत्व रोल भी होता है, गांव का भी रोल होता है, स्कूल का भी रोल होता है, सबका होता है। लेकिन भगवान ने जिसको सामर्थ्य दी है उसको तो क्या करना, लेकिन जो नहीं, जिसके पास नहीं है, अगर उसके लिए संबल बन जाए तो इससे अच्छी बढ़कर के बात दूसरी नहीं हो सकती है। और एक गांव में उनका उदाहरण उन्होंने बहुत प्रस्तुत किया। और भाइयों बहनों, इसलिए गोरखपुर के प्रति उसी ऋण से मुक्त होने के लिए सरकार भी आपके साथ खड़ी है, विकास की प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। आपने अच्छे जनप्रतिनिधि दिए हैं, आपके सांसद, आपके विधायक, ये सभी लोग मिलकर के विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। और ये विकास होगा तो ट्रेनिंग की क्षमता को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। आगे तेजी के साथ यहां के नौजवानों को आने वाले समय में जब तक जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इन बेटियों को यहीं पे पढ़ने के अच्छे सेंटर मिलेंगे, यहीं पे आने वाले समय में अलग अलग केंद्र बनेंगे। कहीं नर्सिंग की पढ़ाई हो रही है, कहीं फार्मेसी की हो रही है, कहीं टेक्निकल एजुकेशन की हो रही है, कहीं वोकेशनल एजुकेशन की हो रही है, कहीं हायर एजुकेशन में अच्छे अच्छे कोर्सेज आ रहे हैं, कहीं मेडिकल की पढ़ाई के लिए बच्चों को यहीं पे तैयारी के सेंटर मिलेंगे। और अभिभावक को फिर चिंतित होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमारे नौजवानों को भी अपने ही गांव, अपने ही केंद्र के आसपास बिना अभिभावक के अतिरिक्त भार बढ़ाए ही ये सुविधाएं प्राप्त होंगी तो उसका जीवन आसान होगा, वहां अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ा पाएगा। और इसलिए आप सबके सामने एक उदाहरण है बाबू आर्य सिंह जी का, कि आप लोग भरोली और उस आसपास के गांव के लोग, मैं भी देख रहा था डायलिसिस सेंटर में, पूछ रहा था टेक्नीशियन से भी कहां के रहने वाले हैं, तो सब अगल बगल के गांव के रहने वाले हैं, उन्हें ट्रेनिंग ली, आज अपने गांव में
यहाँ पर उसको लॉक करके आराम से खेती बाड़ी भी कर सकते हैं, आराम से अपना काम भी कर सकते हैं। लेकिन जब घर के पास कार्य मिले तो जिम्मेदारी दुगनी हो जाती है। दुगनी इसलिए कि तब ये देखना चाहिए कि हर परिचित व्यक्ति आपके पास आने का प्रयास करेगा, उसकी मदद भी करनी है लेकिन नियमों का पालन भी करना है। और नियमों का पालन करते हुए अगर हम ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं तो मुझे लगता है कि हर एक व्यक्ति अपनी जन्मभूमि के ऋण से मुक्त होने का कार्य कर सकता है। और आज हम लोग अष्टमी की स्थिति में यहाँ पर इस केंद्र में आकर के इसका अनुभव कर रहे हैं। मैं आज के इस अवसर पर बाबू आर्यन सिंह जी को, इस कार्य के लिए उनके परिवार के लोगों को, बाबू आर्यन सिंह जी की प्रतिमा को स्थापित करने इन सभी कार्यक्रमों के लिए हृदय से बधाई देता हूँ, बाबू आर्यन सिंह जी को श्रद्धांजलि देता हूँ। और मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूँ, राज्य सरकार आपके हितों को पूरी तरह संरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश का भी हम लोगों ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किया, 35 लाख करोड़ रुपए के प्रस्ताव होने देने, 35 लाख करोड़ आप सम्मान करने से 35 लाख करोड़ बहुत बड़ी पूंजी होती है। 35 लाख करोड़ ये पैसा अगर जमीन पर जब लगेगा, 1 करोड़ से ज्यादा नौजवानों को सीधे सीधे नौकरी मिल जाएगी। 1 करोड़ से ज्यादा गोरखपुर जिले में भी अनेक प्रस्ताव आए, इन प्रस्तावों को जमीन पर उतारना, समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाना, विकास की परियोजना में बाधा न बनना बल्कि उस परियोजना को आने वाले समय के लिए अपने भविष्य को उज्जवल बनाने का एक माध्यम मानना, ये हमारा कार्य होना चाहिए। और अभी तो ये विकास की प्रक्रियाएं आगे बढ़ी है, राम जानकी मार्ग जब अयोध्या से सीतामढ़ी तक सीधे बनेगा, वहां से जनकपुर तक बनेगा, तो आप लोग अपने आप को सौभाग्यशाली मानेंगे कि आप लोग अपने पूर्वजों की धरोहर को सोचिए। कब आज से हजारों वर्ष पहले भगवान राम मां जानकी को लेकर किसी मार्ग से अयोध्या गए थे, जनकपुर से अयोध्या गए थे। आज वो मार्ग टू लेन और कहीं कहीं फोर लेन बनता है, कितना सौभाग्यशाली गया, रुद्रपुर देखा गया, पूरे रास्ते का भी आकलन किया गया। और जब सब देखा गया तो ऊपर से आ गया कि जो भारतवर्ष की जो 5 महत्वपूर्ण बैठकें होने वाली है, माने कि G20 की भारत के अंदर जो 5 प्रमुख बैठकें होने वाली है, दिनेश मानसेरा जी वहां पर बैठे हैं अभी, दिनेश भाई ये 5 बैठकों में से एक बैठक है जो प्रमुख 5 बैठकें देश के अंदर होने वाली है, तो वो हमको मिल गई। और उससे अच्छी बड़ी बात है कि आप सब लोगों का भी धन्यवाद मैं करना चाहता हूं कि इतनी बड़ी संख्या में, कल मैं देख रहा था जैसे लग रहा था कोई बहुत बड़ा उत्सव हो रहा हो, और उत्सव किसी एक व्यक्ति का नहीं, सरकार का नहीं, एक जिले का नहीं, बल्कि संपूर्ण प्रदेश का, पंतनगर से लेकर यहाँ रामनगर पहुंचने तक लोग सड़कों पर खड़े थे। और मैं बधाई देना चाहता हूँ हमारे जिला प्रशासन को, हमारे यहाँ के आयुक्त साहब को, हमारे IG को, जिलाधिकारी को, पुलिस के अधीक्षक साहब को, और पूरी टीम को, प्रशासन के लोगों को, कि 1 महीने से भी कम का समय मिला हमको, और 1 महीने से भी कम के समय में इतनी शानदार तैयारी कर दी जो मैं चाहता था। जब मैंने पहली बैठक ली थी तो मैंने यही इनसे कहा था कि ये बैठक ऐसी बैठक होनी चाहिए कि इसके बाद जितनी बैठकें भारतवर्ष के अंदर हो रही हैं, सारे लोग कहें कि रामनगर की बैठक सबसे अच्छी हुई। और आज मुझे बताया इन्होंने कि जितने भी प्रतिनिधि थे, हमारे मुख्य सचिव आज वेलकम स्पीच उन्होंने यहाँ पर करी थी, तो सारे प्रतिनिधि आप सबके आतिथ्य भाव से गदगद थे। और वो इतना ही नहीं, जब यहाँ से जाएंगे तो वो केवल एक प्रतिनिधि के नाते, एक डेलीगेट्स के नाते। तो देखिए, G20 समिट के मद्देनजर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का रामनगर में जनसभा, वहीं दूसरी तरफ देखिए तस्वीर दिखा रहे गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। 2 दिन का उनका पूर्वांचल दौरा चल रहा है और 491 करोड़ की जो विकास परियोजनाएं हैं उसका सौगात दे रहे हैं। इस वक्त जहां पर हैं
डायलिसिस सेंटर का उद्घाटन उन्होंने किया है गोरखपुर में और वहां पर वो संबोधित कर रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।